ताकि अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं कम से कम आप अपनी सरकार को पहचान लें और देश भर की जनता को भी ये पता हो कि 325 सीट जीतने के बाद देश के सबसे बड़े राज्य में जो सरकार बनाई है बीजेपी ने उसमें किस किस चेहरे को क्या जिम्मेदारी दी गई है। मैं लक्ष्मी नारायण चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा मथुरा की छाता सीट से भारत के संविधान के विधायक चुने गए हैं। 1980 में उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी, अब से करीब 3.5 दशक पहले 1985 में जनता दल से वो पहली बार विधायक बने उत्तर प्रदेश राज्य और आज कैबिनेट मंत्री के तौर पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का हिस्सा वो बन रहे और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं लक्ष्मी नारायण चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तबके सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री चेतन चौहान कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। चेतन चौहान क्रिकेटर हैं पूर्व और DDCA से जुड़े रहे, लंबे समय तक उसकी जिम्मेदारी संभालते रहे हैं और आज उत्तर प्रदेश कैबिनेट में चेतन चौहान कैबिनेट मंत्री के तौर पर चेतन चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा अमरोहा के नौगावा से विधायक हैं चेतन चौहान और निष्ठा रखूंगा। इसके पहले अमरोहा से ही बीजेपी के सांसद भी रह चुके हैं। 1991 में पहली बार वो अमरोहा से सांसद चुने गए, भारतीय क्रिकेट टीम के नामी खिलाड़ी रहे हैं, पूर्व नामी खिलाड़ी रहे हैं। 1981 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किए जा चुके हैं चेतन चौहान। अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। तो चलिए, सांसद की टीम है चेतन चौहान, उसमें क्रिकेटर भी हैं, शपथ लेता हूं उसमें छात्र राजनीति से राजनीतिक जीवन में आए नेता भी हैं, उसमें दूसरी पार्टियों से आए नेता भी हैं जो आखिरी वक्त में मौका देखकर और मौसम देखकर बीजेपी में शामिल हुए और आज जीतने के बाद इन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई जा रही है। सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री श्रीकांत शर्मा कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट। श्रीकांत शर्मा उत्तर प्रदेश के युवा नेता हैं बीजेपी के, पहली बार मथुरा से उन्होंने चुनाव लड़ा और पहली बार वो चुनाव जीते हैं कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ले रहे हैं श्रीकांत शर्मा। श्रीकांत शर्मा इसके पहले बीजेपी का शपथ लेता हूं कि मैं प्रवक्ता के तौर पर, राष्ट्रीय सचिव के तौर पर काम करते रहे, मीडिया प्रभारी का भी काम संविधान के करते रहे, सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं श्रीकांत शर्मा ईश्वर की शपथ विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह कृपया शपथ ग्रहण करने का प्रश्न है। मैं राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह ईश्वर की शपथ लेता कि राज्य द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची सेवा और स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। श्री सिद्धार्थनाथ सिंह कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। सिद्धार्थनाथ सिंह बीजेपी का युवा चेहरा है, पार्टी के प्रवक्ता रहे हैं लंबे समय तक और पहली बार उत्तर प्रदेश के चुनाव मैदान में उनको उतारा गया। जीत हासिल करने के बाद आज कैबिनेट के तौर पर शपथ ले रहे हैं। इलाहाबाद पश्चिम सीट से विधायक हैं। शुरुआत में कुछ घुघाट भी नहीं के भारी कंधे क्यों दिया बीजेपी ने, लेकिन उसके बाद तमाम विवादों को दूर करके पार्टी ने उन्हें चुनाव लड़ाया, वो जीते। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री के नाती हैं सिद्धार्थनाथ सिंह। और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय रखूंगा। मैं सिद्धार्थनाथ सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री मुकुट बिहारी वर्मा कृपया शपथ ग्रहण करें। माइक नीचे करो। मैं मुकुट बिहारी वर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं। मुकुट बिहारी वर्मा बहराइच की कैसरगंज सीट से विधायक हैं। 2012 में भी वो कैसरगंज से विधायक चुने गए थे, बीएसपी के खालिद खान को हराकर विधानसभा में पहुंचे हैं और कैबिनेट मंत्री के तौर पर आज शपथ ले रहे हैं। कुर्मी जाति से ताल्लुक रखते हैं। मैं मुकुट बिहारी वर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा नहीं करूंगा।